પછી બીજેપી સાંસદ લોકેટ ચેટર્જી। दिल्ली में शराब घोटाले पर जबरदस्त सियासी मोर्चाबंदी, बीजेपी का पोस्टर वॉर, सिसोदिया को लुटेरा बताकर नया हमला। यूपी की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी में मंथन तेज, डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार तय करने पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अखिलेश ने भी बुलाई मीटिंग। चीन पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, एक कार्यक्रम में बोले चीन के शब्दों पर नहीं एक्शन पर ध्यान देने की जरूरत, पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित। और T20 विश्व कप के फाइनल में आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे मेलबर्न में मैच, बारिश आई तो कल भी भिड़ंत संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं मलिका मल्होत्रा और चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बोल पर बवाल, बीजेपी ने हुगली में किया जोरदार प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला, सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा मंत्री का इस्तीफा कब। अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा, पार्टी ने बयानों की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग, बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के भी दिए निर्देश। हैदराबाद में हॉस्टल में घुसकर छात्र की पिटाई का मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस, पीड़ित पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलेगी कांग्रेस, स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करेगी कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज, पीएम मोदी की मां के लिए कहे थे अपशब्द। 14 नवंबर से 3 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल कई जगहों पर करेंगे रोड शो और जनसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े 75% वोट, 68 सीटों के लिए हुआ मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर, चुनाव मैदान में कुल 412 प्रत्याशी। बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मतदान, हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में डाला वोट, हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अपने मत का किया इस्तेमाल, वोट डालने के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। तेलंगाना में पीएम ने टीआरएस पर साधा निशाना, कहा जनता ने जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया उसी पार्टी ने जनता को दिया धोखा। तेलंगाना के रामगुंडम में फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन, प्लांट को तेलंगाना में खेती और उद्योग के विकास को नई ऊंचाइयां देने वाला बताया। भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को की समर्पित, करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है ये रेल लाइन। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अगर मुझे गाली देने से तेलंगाना का भला तो मैं और मेरी पार्टी इसके लिए तैयार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एनसीडी के लिए जारी की अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट, 116 उम्मीदवारों के साथ सभी 250 वार्डों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा रेलवे में 12 लाख लोगों को रोजगार, इसके निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की है जरूरत। दिल्ली में आपके स्टार कैंपेनर राजेंद्र गौतम पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा, ठहराया चुनावी हिंदू, केजरीवाल का जवाब, बीजेपी का काम है कोसना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना, बीजेपी की कठपुतली बना है चुनाव आयोग, बीजेपी के चाहने पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है फिर भी चुप है चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, 2 प्रवासी मजदूर घायल।
दिल्ली में कल फिर आए भूकंप के झटके। एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप नेपाल के सिलंगा में था। केंद्रीय रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। दिल्ली के साथ साथ नोएडा गुरुग्राम में भी आया भूकंप। लोगों ने घर से बाहर निकले। पौड़ी टिहरी रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में घरों से निकले लोग। यूपी के मुरादाबाद बिजनौर अमरोहा सहित कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों में पंखे झूमर हिलते दिखे। चमोली नीति घाटी में भी हुई जमकर बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की 2 से 4 इंच मोटी चादर बिछी। सड़क मार्ग से जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है बर्फ। कुत्तों के हमले पर नोएडा अथॉरिटी हुई सख्त। जुर्माने का जारी किया फरमान। नोएडा में पालतू कुत्ता बिल्ली के काटने पर पीड़ित को देना होगा 10,000 का जुर्माना। पालतू कुत्ता बिल्ली के मालिक को अदा करनी होगी जुर्माने की रकम। नोएडा में 31 जनवरी 2023 तक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने का भी फरमान जारी। पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन भी किया गया अनिवार्य। बिहार में स्मार्ट सिटी बनने जा रहे भागलपुर में विकास की दिखी भयावह तस्वीर। हबीबपुर के जर्जर स्वास्थ्य केंद्र में आने से बचते हैं मरीज। भागलपुर के हबीबपुर अस्पताल में फैन चलने पर मरीजों के ऊपर गिरता है छत का प्लास्टर। डॉक्टर और कर्मचारियों को सताता रहता है खुद इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने का डर। गोपालगंज उपचुनाव में जीत से अभी तक उत्साहित हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा बिहार में टूट चुका है माई समीकरण। शाहनवाज हुसैन का आरोप आरजेडी मुसलमानों का हो रहा मोहभंग। आरजेडी मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं देना चाहती। कौशाम्बी के जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया 20 करोड़ का घोटाला। ऑडिट टीम ने भुगतान पर दर्ज कराई आपत्ति। जिला पंचायत अफसरों को ठहराया घोटाले का जिम्मेदार। हरदोई में नकली खाद के कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की। 5 लोगों पर केस दर्ज। मैनपुरी में मायके आई महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी युवक हुआ फरार। अमित शाह की स्टालिन सरकार से अपील। तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा बीजेपी भारी मतों से जीतेगी कुढ़नी चुनाव। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक रिश्ते को किया याद। शाहजहांपुर में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कहा सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राजेंद्र गुढ़ा के तेवर नरम। पार्टी में खेमेबाजी की बात को नकारा। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का। गहलोत सरकार पर हमला। भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा। कहा बीजेपी का सफाया तय है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी। कहा साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। आपस में एकजुट हों कार्यकर्ता। जयाप्रदा का आजम खान पर तीखा प्रहार। बोली जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही उनको काटना पड़ता है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क निर्माण का लिया जायजा। निरीक्षण के वक्त नाले में कचरा देखकर फावड़ा उठाकर की सफाई। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ली वीआरएस। 2024 में होने वाले थे रिटायर। प्रदूषण पर एनएचआरसी ने दिल्ली यूपी समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। पराली जलाने के लिए किसान मजबूर। सरकारें हैं जिम्मेदार। मुंबई में आज सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक। लोकल ट्रेन सेवाएं होंगी प्रभावित। बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर केस दर्ज। टीवी डिबेट्स में टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले एसीबी का एक्शन। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। 3 बच्चों के धर्मांतरण मामले में की कार्रवाई। शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। गोंडा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल। टॉर्च की रोशनी में दिया भाषण। शाहजहांपुर में पुलिस की स्कॉट गाड़ी की आपस में टक्कर। 3 पुलिसकर्मी घायल। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे।
मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक, मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए कई सुझाव। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद। अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को किया गया है परीक्षा से वंचित। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा, कंपनी के अधिकारियों से आईटी टीम की पूछताछ जारी। नालंदा में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने किया हमला, पुलिसकर्मी हुए चोटिल, सरकारी गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, चार हमलावर हुए गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 843 दिनों से छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा प्रण, कहा कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं की फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने, 4 साल से लापता 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे में गड्ढे से बरामद। पटना में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सुनाई खूब खरी खोटी, इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता पर जाहिर किया आक्रोश। दिल्ली में हुए साइबर क्राइम के बिहार से जुड़े तार, दिल्ली पुलिस ने पटना से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुणे में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूटे 28 लाख, मार्केट में चोरों ने की दिन दहाड़े फायरिंग, पैसे लेकर हुए फरार। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, विश्वनाथ धाम में की पूजा, नौका विहार भी किया। रत्नागिरी में समुद्र में दिखी डॉल्फिन, ड्रोन कैमरे में हुई कैद। राजस्थान के दौसा में स्कूली वाहन हुआ हादसे का शिकार, एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 7 घायल बच्चों का इलाज जारी। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ब्रिटिश काल के पुल की हालत खस्ता, लोगों ने लगाई सरकार से पुल की मरम्मत की गुहार। पटना में 3 सालों बाद लौटा पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगने वाला है पुस्तक मेला। गया में महिला वार्ड सदस्य को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, विस्फोटक समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। थाने से गिरफ्तार 2 लोगों के पास से 8 करोड़ के नकली नोट बरामद, छोटे मोटे दुकानदारों को बनाते थे अपना शिकार। औरैया में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के आरा में अपराधी बेलगाम, बदमाशों ने जेडीयू नेता के भाई और भतीजे को मारी गोली, 1 की मौत। छपरा और बलिया को जोड़ने वाले मांझी रेल पुल से नदी में जानलेवा स्टंट करते बच्चों का वीडियो वायरल, कार्तिक पूर्णिमा के दिन का है वायरल वीडियो। कटिहार गोलीकांड में पुलिस का खुलासा, जेल में बंद प्रेमी को बचाने और भाई को फंसाने के लिए प्रेमिका ने खुद को मारी गोली। गोलियों से थर्राया पटना का रामकृष्ण नगर इलाका, आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबाजी। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर भाई ने किया भाई का कत्ल, दोनों भाइयों के बीच दरवाजे पर गाड़ी लगाने पर हुई जमकर मारपीट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 युवकों ने बुजुर्ग इंजीनियर के अकाउंट से उड़ाए 18 लाख, बेटे बहू और बेटी को धोखे में रखकर की ठगी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी का पुलिस ने किया भांडाफोड़, पिस्टल समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। आगरा में बाइक और कार की हुई भीषण टक्कर, हादसे में मौके पर ही हुई 3 लोगों की मौत। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली। हरियाणा के पानीपत में 14 साल के बच्चे की सेल्फी के शौक ने ले ली जान, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुई मौत। राजस्थान के पाली में गम में बदला शादी का माहौल, मंच पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आने से हुई युवक की मौत। पंजाब के बरनाला में 26 साल की नवविवाहिता चढ़ी दहेज की बलि, ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजस्थान में बाड़मेर में एक कार ने बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 26 साल के मुंबई निवासी बाइक राइडर की हुई मौत। भोजपुर पुलिस ने झारखंड के सीआरपीएफ बटालियन की गायब हुई 2 इंसास राइफल को किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोलियों की आवाज से गूंजा एएमयू कैंपस, 2 बाइक सवार युवकों ने की तोड़फोड़। अमेरिका में विमान हादसा, 6 लोगों की मौत की आशंका, अमेरिका के डैलस में एयर शो के दौरान हुआ हादसा, आसमान में टकराए 2 लड़ाकू विमान। आसियान शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने कंबोडिया के पीएम से की मुलाकात, रूस से लड़ाई में यूक्रेन की तरफ अपना रुख साफ करने के लिए कहा धन्यवाद।
जापानी पीएम ने आसियान देशों के लिए जारी किया $2 बिलियन से अधिक का फंड, आर्थिक सुधार में मदद के लिए ऐलान। यूएन महासचिव ने आसियान शिखर सम्मेलन में म्यांमार संकट पर दिया बड़ा बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने म्यांमार की सेना के सामने घुटने टेके। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की याचिका को किया खारिज, शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर हुआ था मानहानि का मुकदमा। और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी के मैनपुरी पर एक बार फिर देश की निगाहें हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। खबर है कि कल डिंपल यादव मैनपुरी से पर्चा दाखिल कर सकती हैं और कल के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। पूर्व सांसद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव मैनपुरी पहुंच चुके हैं। उधर बीजेपी में उम्मीदवार का नाम फाइनल करने पर मंथन हुआ है। तो कल डिंपल यादव भरेंगी पर्चा, अखिलेश ने बुलाई बैठक, बीजेपी में उम्मीदवार पर मंथन अब भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई है। खबरों के मुताबिक शक के चेहरे को उतारने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी को लेकर बैठक बुलाई है। बात करेंगे यहीं के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव हमारे साथ में। तेज प्रताप जी, इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने डिंपल यादव को उतारा है, लेकिन बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि अब नेताजी का युग नहीं है, वो नहीं रहे हैं, यहाँ का मतदाता अब समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? ये मैनपुरी से जो रिश्ता नेताजी का था वो केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक रिश्ता था। यहाँ के लोग, यहाँ के गाँव का एक एक व्यक्ति नेताजी के शुरुआती जीवन से उनके साथ पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ था, और यही कारण है कि नेताजी चाहे खुद लड़े हों, चाहे उन्होंने उदय प्रताप जी को लड़ाया हो, चाहे उसको बलराम सिंह जी लड़े, तमाम लोग लड़े यहाँ पे, हर बार जो है जीत समाजवादी पार्टी की हुई। कई विषम परिस्थितियों में, जो कांग्रेस का दौर रहा, मोदी लहर आई, तमाम सारे कठिन चुनाव भी हुए, लेकिन हमेशा मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी झंडे को बुलंद रखने का काम किया। और इस चुनाव में जहाँ पहली बार नेताजी के बिना ये चुनाव है, और लोगों के मन में जो आदर और सम्मान के प्रति था, जो लगाव था, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ जो दूसरी पार्टी का वोटर है वो भी इस बात को कहता है कि मैनपुरी की पहचान अगर किसी से थी, नेताजी से थी, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था जब बाहर जाके बताता था कि मैं मैनपुरी से आया हूँ। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं, और नेताजी के न रहने से जहाँ पूरे देश प्रदेश में दुख था, मैनपुरी के लोगों का ज़्यादा दुख इस चीज़ से हुआ, और इस चुनाव में श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम लोग जीत समर्पित करेंगे, और पार्टी का एक एक नेता, कार्यकर्ता और यहाँ का आम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ में। मेरे सहयोगी समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए समर्थ का रुख करेंगे। समर्थ, विरासत की सीट इसे कहेंगे, डिंपल यादव को मौका दिया जा रहा है और कल पर्चा भी वो भरने वाली है, और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी मंथन तेज। बिल्कुल, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टीज में मंथन का दौर लगातार जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वह अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ही हैं, और कल जहां तक वो पूरे चांसेस हैं कि कल वो नामांकन दाखिल कर सकती हैं, क्योंकि यादव कुनबा पूरा इस वक्त सैफाई पहुंच चुका है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो या चाहे डिंपल यादव हो। हालांकि रघुवीर सिंह जो है, जो स्वर्गीय भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव के, उनका आज हवन था इसलिए पूरा परिवार एकत्रित हुआ था, पर इसी बीच सैफाई में अखिलेश यादव ने एक बैठक भी बुलाई है जिसमें इस बारे में चर्चा होगी कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी जब डिंपल यादव नामांकन के लिए सैफाई अपने घर से निकलेंगी मैनपुरी के लिए। ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा बीजेपी में भी कल बैठक हुई है, सीएम योगी उसमें मौजूद रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी यूपी के, वो उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, और एक पैनल रिपोर्ट जो है जिसमें कई नाम है, रामपुर को लेकर, मुजफ्फरनगर को लेकर और मैनपुरी को लेकर, वो एक पैनल लिस्ट जो है वो केंद्र को भेज दी गई है, इसकी फाइनल कॉल केंद्र लेगा। पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ये ताल ठोक रही है कि ये चाहे रामपुर हो, चाहे मैनपुरी हो या मुजफ्फरनगर हो, जहां से जैन के कैंडिडेट उतर रहे हैं, यहां पर कोई भी उनको नहीं टक्कर दे पाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुकाबला कई जगहों पर एक तरफा होता भी नजर आ सकता है। जी, शुक्रिया समर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। चलो
केटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। जब वो संगीत छेड़ते हैं तो दिल पिघल जाते हैं, जब वो किस्से बुनते हैं तो वो हिस्सा बन जाते हैं जिंदगी का। ऐसे संगीतकारों और कहानीकारों से होगी आपकी मुलाकात साहित्य आज तक में 18 से 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। फ्री एंट्री के लिए अभी रजिस्टर करें www.aajtak.in/sahitya या फिर मिस्ड कॉल दें 9310330033 पर। कोरोना काल में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन का चलन बढ़ा है, वैसे वैसे ही देश की गेमिंग इंडस्ट्री ने भी बीते दो वर्षों में तेज तरक्की की है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया के मुताबिक भारत में अभी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सालाना 38% की रफ्तार से बढ़ रही है। 5G टेक्नोलॉजी सर्विसेज शुरू होने के बाद इस ग्रोथ में ज्यादा तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। भारत के मुकाबले अमेरिका में गेमिंग इंडस्ट्री महज 10% और चीन में 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक अंदाजा KPMG की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक देश में फिलहाल 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं। भारत में करीब 42 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी गेमर्स की संख्या है। इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत इस वक्त दुनिया के टॉप 5 मोबाइल गेमिंग बाजारों में शुमार होता है। KPMG के अनुमान के मुताबिक 2023-24 के आखिर तक भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री की इनकम 29,400 करोड़ के पार निकल जाएगी। 2020-21 में भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री की आमदनी 14,311 करोड़ रुपए रही थी। आने वाले दिनों में गेमिंग सेक्टर में ग्रोथ का अनुमान इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि इस साल के आखिर तक देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 5G के आने से पहले ही टेलीकॉम कंपनियां गेमिंग को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। फ्रांसीसी क्लाउड गेमिंग फर्म ब्लैकनेट, रिलायंस जियो और एयरटेल से बातचीत कर रही है। ये बातचीत भारत में 5G नेटवर्क के साथ क्लाउड गेमिंग सर्विसेज लॉन्च करने के लिए की जा रही है। एयरटेल का कहना है कि गेमिंग पर कंपनी ज्यादा फोकस करेगी। इसकी बड़ी वजह है कि 5G टेक्नोलॉजी में लो लेटेंसी के साथ हाई स्पीड मिलेगी, जिसकी वजह से क्लाउड गेमिंग के लिए 5G का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने का अनुमान है। वहीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले से क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। गूगल ने 2020 में 4G और 5G नेटवर्क पर स्टेडिया क्लाउड गेमिंग की टेस्टिंग की थी। माइक्रोसॉफ्ट भी इसके लिए कोरिया की कंपनी SK टेलीकॉम के साथ हाथ मिला चुकी है। और अब एक और अहम खबर आपको बता दें। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन जो कहता है उससे काफी अलग है और इसीलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें चीन के कामों पर नजर रखने की जरूरत है, सेना प्रमुख एक थिंक टैंक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि LAC की हालत स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है। आपको सुनवाते हैं कि चीन को लेकर सेना अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। Right, so I mean, we all know what the Chinese say and what they do is quite different. So, it's also part of the deception or their nature, their character, right? So we only what they say or what they articulate, we need to just, but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in their written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. Thank you very much. और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
ट्विटर पर लगातार ट्वीट करने वाले यूजर्स अब पहले जितने सक्रिय नहीं रह गए हैं। रॉयटर्स को मिले एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के मुताबिक अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की दिलचस्पी घटने लगी है। इस जानकारी का आधार हैवी ट्विटर की घटती संख्या को माना गया है, जो हर रोज साइट पर लॉगिन करते हैं और हफ्ते में 3 से 4 दफा ट्वीट करते हैं। ये हैवी ट्विटर सोशल मीडिया साइट यूजर्स का भले ही छोटा हिस्सा है, लेकिन ये ट्विटर के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि ऐसे यूजर्स कंपनी के कुल रेवेन्यू का 90% जनरेट करते हैं। इन हैवी ट्विटर की एक्टिविटी में गिरावट कोरोना के दौरान होने का दावा किया गया है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये यूजर्स कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूजर्स की न्यूज, स्पोर्ट्स और मनोरंजन जैसे लोकप्रिय टॉपिक्स में दिलचस्पी घट गई है। इनके अलावा फैशन और मशहूर हस्तियों में रुचि रखने वाले हैवी ट्विटर्स को भी ट्विटर खो रहा है। एक ट्विटर रिसर्च के मुताबिक फैशन और मशहूर हस्तियों जैसे टॉपिक्स में दिलचस्पी रखने वाले यूजर्स में गिरावट की वजह इंस्टाग्राम और टिकटॉक है। पहले ई स्पोर्ट्स और स्ट्रीमिंग पर्सनैलिटी हैवी ट्विटर्स यूजर्स के बीच दिलचस्पी के बढ़ते सेगमेंट्स थे, लेकिन अब उनकी एक्टिविटी ट्विच, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी वीडियो फ्रेंडली वेबसाइट की तरफ बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पहले जहां ब्रेकिंग न्यूज फॉलो करने के लिए ट्विटर सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म था, वहीं अब न्यूज के मामले में लोग टिकटॉक पर भी शिफ्ट होने लगे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी अब टिकटॉक से खबरें हासिल करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक से न्यूज हासिल करने वाले अमेरिकी लोगों की हिस्सेदारी केवल 2 से 3 गुना बढ़ी है। स्टडी के मुताबिक 26% अमेरिकियों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से टिकटॉक पर खबरें मिलती हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्षों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले 1/3 अमेरिकियों का कहना है कि उन्हें साइट पर नियमित रूप से खबरें मिलती रहती हैं, जबकि दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर न्यूज की खपत में गिरावट आई है या ये पहले के बराबर ही बनी हुई है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हैवी ट्विटर्स की गतिविधि में आई इस गिरावट को थामने के लिए ट्विटर किस नई रणनीति को अपनाता है या नहीं। आज तक ब्यूरो। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। राष्ट्रपति मुर्मू पर विवादित टिप्पणी पर फंसी टीएमसी, दिल्ली में अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत, बंगाल में जगह जगह बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में शराब घोटाले पर जबरदस्त सियासी मोर्चाबंदी, बीजेपी का पोस्टर बोर्ड सिसोदिया को लुटेरा बताकर नया हमला। यूपी की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी में मंथन तेज, डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार तय करने पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अखिलेश ने भी बुलाई मीटिंग। चीन पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, एक कार्यक्रम में बोले चीन के शब्दों पर नहीं एक्शन पर ध्यान देने की जरूरत, पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित। और T20 विश्व कप के फाइनल में आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला, दोपहर 1:30 मेलबर्न में मैच, बारिश आई तो कल भी भिड़ंत संभव।
सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। चौबीस घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दिल्ली, गुजरात टू बंगाल, बदजुबानी पर बवाल। जी हां, इन दिनों राजनीति में मर्यादा और अमर्यादा की लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और गुजरात में अब विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने वाले हैं, लिहाजा वहां वोट के लिए नेता बदजुबानी में जुटे हैं। तो ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हो गया है। बंगाल में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जुबान पर लगाम बेहद जरूरी है। अगर मर्यादा टूटी तो बवाल तय है। पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ हो रहा है उसी अमर्यादित बयान के खिलाफ है। बंगाल सुलग रहा है, बीजेपी सड़क पर उतर चुकी है। ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंका जा रहा है। कोई बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया है। बंगाल के अलग अलग शहरों में अखिल गिरी के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी का ये गुस्सा, ये तल्ख तेवर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अखिल गिरी के बयान को लेकर है। सुनिए पहले वो बयान। अखिल गिरी ने शर्मनाक बयान नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। जनता जनार्दन के दरबार में उनकी जुबान ने मर्यादा लांघ दी। हमरा ऊपर विचार करी ना, तुम्हारा राष्ट्रपति जी आर के हमरा सम्मान करी, तुम्हारा राष्ट्रपति के आमंत्रण देते बाबा। ममता के मंत्री के इस बयान पर सियासत सुलग उठी। तभी अखिल गिरी का एक और वीडियो सामने आ गया। कथावार्ता শোভনীয় কথাবার্তা বলো, বিরোধী দল নেতা হয়েছে, তাই বলেছে বলো, দেখতে খারাপ, আহা দেখতে খারাপ, দ্রৌপদী মুর্মুকে কেমন দেখতে, দ্রৌপদী মুর্মুকে কেমন দেখতে, শুভেন্দু বলুক এখানে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম, মনোজ টিকাকে কেমন দেখতে, তোমাকে দেখতে সুন্দর, ভিতরটা পুরো ক্যান্সার, তোমাকে দেখতে সুন্দর, উপরেই জামাটা সুন্দর, আর দেখতে ভিতরটা পুরো ক্যান্সার, ক্যান্সারে ভর্তি। মন্ত্রী কি এসি বদজুবানি নে বিজেপি কো মোকা দে দিয়া। পার্টি আব রাষ্ট্রপতি মুর্মু পর আপত্তিজনক বোল কো মহিলা সম্মান সে জোড় রহি হ্যায়, আদিবাসিয়ো কে অপমান সে জোড় রহি হ্যায়। দেশ কে রাষ্ট্রপতি পর অভদ্র টিপ্পণি কা হোনা तृणमूल सरकार के संस्कारों का दर्शन है। लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाहती हूं कि बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती है, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी है जब उनके एक नेता देश के राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति के अपमान को देश के सम्मान से जोड़ दिया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अखिल गिरी के मुद्दे पर ममता को घेरने का मौका नहीं गंवाना चाहते। आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पार्टी से? लेकिन ये इतना नीची राजनीति वो लोग करेंगे, ये हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लुक्स के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर लेकर, कमेंट लेकर वो लोग राजनीति करेंगे। ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों में माने जाते हैं अखिल गिरी। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे।
अगर ममता जी में थोड़ा भी नैतिकता बची है, थोड़ा भी मूल्यबोध उनके अंदर बची है, प्रजातंत्र में थोड़ा भी विश्वास है, तो तुरंत ही उनको उस गिरी महोदय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। उसकी खिलाफ दोनों कार्रवाई होना चाहिए कानून के अंदर, एक एक्सपल्सन फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और दूसरा SC ST एट्रोसिटी एक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन लगा के FIR और हिरासत में लेना कानून के अंदर लाना चाहिए। ये दोनों सोल्यूशन है। मंत्री के विवादित बोल को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत सुलगी हुई है। बीजेपी ने ठान लिया है कि मंत्री पर कार्रवाई होने तक आंदोलन नहीं थमेगा, लेकिन बीजेपी के ऐसे रुख को लेकर TMC पलटवार कर रहे हैं। TMC मंत्री के बयान को गलत बताते हुए बीजेपी के हमलों का जवाब दे रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में जो शब्द अखिल गिरी ने कहा, पार्टी स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है जे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस दे आर इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आप देखिए पूरा भारत का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, MLA, MP, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो वुमेन जो पार्टिसिपेशन है वो हाईएस्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन सवाल ममता के मंत्री पर है, आखिर क्यों राष्ट्रपति मुर्मू पर बदजुबानी की गई? सवाल उठे, विवाद बढ़े तो मंत्री ने सफाई भी दे डाली। तो शुभेंदु अधिकारी जो बोलेगा, इसलिए हम राष्ट्रपति नाम लेकर नाम नहीं धरते हैं, राष्ट्रपति को लेकर हम कंपेयर करते हैं कि देखने का विचार नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रपति को कोई असम्मान नहीं करते। लेकिन लगता है कि ये सफाई काम नहीं आने वाली। बीजेपी ने राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिख डाली है। अखिल गिरी के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुए हैं और TMC ने तो किनारा ही कर लिया है। ऐसे में मंत्री की मुसीबत और बढ़ सकती है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर है, अपडेट आप तो आप तक पहुंचा दें। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने अखिल गिरी की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद वे घिर गए दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में। बीजेपी MP ने अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मैम, यहाँ किस लिए पर आई थी? हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि 11 नवंबर जैसे तरीके से हमारे देश का सर्वोच्च लोकप्रिय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे अपमान किया, एक आदिवासी महिला को अपमान किया, TMC लीडर्स मिनिस्टर ने, नेता ने, और ममता बनर्जी अभी तक कुछ भी नहीं बोला, उनका बर्खास्त भी अभी नहीं हुआ, इसलिए पूरा देश में कोने कोने में, बंगाल में तो बहुत सारा जगह में उनके ऊपर FIR हुए हैं। हम लोग दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में भी इसका FIR हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी आके सामने आके कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि वो भी महिला है और बंगाल में भी बहुत सारा आदिवासी समाज का लोग रहते हैं। और अखिल गिरी जो बोले हैं ये सिर्फ एक नहीं दो बार बोले हैं, इसको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए और दिल्ली में आके राष्ट्रपति भवन के सामने आके उसको क्षमा मांगना चाहिए कि ये जो किया है वो देश के लिए बहुत इंसल्टिंग है। सिर्फ राष्ट्रपति जी नहीं, भारतीय संविधान के संविधान को उन्होंने अपमान किया है। भारतीय संविधान मतलब इंडियन का, भारतीयों का अस्तित्व के ऊपर उन्होंने अपमान किया है। ममता बनर्जी के मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बोल क्यों बोले? दरअसल ये सस्ती राजनीति का परिचायक है। सियासत में गालियों का लंबा इतिहास रहा है। ऐसी गलत बयानी से वोट की जोर तोड़ की जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार विरोधियों के अपशब्दों का हवाला दे चुके हैं। अभी एक दिन पहले ही तेलंगाना में उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें रोजाना विरोधी 2.5 किलो 3 किलो गाली देते हैं। डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं।
અંદર ગયો, મારી સાથે ધમકી ભરી ભાષામાં ગાળાગાળી કરી અને સીધા પોલીસ બોલાવી અને મને પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો. આપ મોદી કો કિતની હી ગાલિયા દીજીએ, હમ હજમ કર જાયેંગે. પીએમ મોદી કા યે બયાન મહેઝ ઇત્તેફાક નહીં, ઉનકા એસા બયાન પહેલી બાર ભી નહીં. વો પહેલે ભી બોલ ચુકે હૈ ઓર જમકર વિરોધીઓ પર નિશાના ભી સાધા હૈ. એક બાર ફિર પ્રધાનમંત્રી ને ઉસ બદઝુબાની કા હવાલા દિયા હૈ. कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में, तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं. मंच तेलंगाना का था. प्रधानमंत्री एक दिन पहले जब तेलंगाना में भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बखूबी जिक्र किया कि कैसे उनके खिलाफ सियासी मर्यादा लांघी जाती है, फिर भी वो बेफिक्र रहते हैं. परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है. एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है. भाइयों, तेलंगाना में अभी चुनाव थोड़ी दूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में बदजुबानी पर वार किया, विरोधियों पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री के बयान के सियासी मायने समझने की जरूरत है. दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, तारीख तय हो चुकी है. बीजेपी एमसीडी पर वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, लेकिन कड़ी टक्कर में आप है. दूसरा चुनावी राज्य गुजरात है, जहाँ 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होने हैं. वहां भी आप और कांग्रेस से बीजेपी को टक्कर मिल रही है. गुजरात के चुनावी दंगल में हाल ही में आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी. किसम नो मानस येनो खर्चो मांगो ने हीरा बावी ने पाछा नाटको करे, आपने बोलता है शर्म आवे एटली मोटी उम्र ना व्यक्ति विषय. पण ये लोगो नथी शर्माता, 70 वर्ष नो मोदी थवा आयो, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી. આપ નેતા ગોપાલ ઇટાલિયા પહેલે સીએમ પદ કી રેસ મે થે, અબ વો સીધે બીજેપી કે સામને નહીં હૈ, લેકિન બીજેપી ઉનકે બયાન કો લેકર હમલે કા મોકા નહીં ચૂક રહે. યે સમજના મુશ્કિલ નહીં કે પીએમ મોદી કી કહાં પર નિગાહેં ઓર કહાં પર નિશાના હૈ. 182 सीट वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता पर फिर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और पार्टी को पता है कि पीएम मोदी पर विरोधियों की बदजुबानी का कितना बड़ा असर उनके पक्ष में होगा. संकेत साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपशब्दों का हवाला देकर दूर का निशाना साधा है. आज तक ब्यूरो. और सियासी लड़ाई का एक सेंटर दिल्ली बना हुआ है, यहाँ भी मुद्दा चुनावी है. एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसके साथ ही यहाँ भी बदसुबानी शुरू हो गई है. दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, गुजरात भी मतदान को तैयार है, लेकिन उससे पहले के सियासी चक्रव्यूह में अहम हथियार बन चुकी है बदजुबानी. गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासत का वो चेहरा दिख रहा है. आप नेताओं के खिलाफ ये पोस्टर एमसीडी चुनाव में उस सियासी तस्वीर की झलक भर है. दिल्ली बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की तस्वीर वाला ये पोस्टर ट्वीट किया है. पार्टी ने इस पोस्टर पर शराब घोटाले का जिक्र किया है, महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी लिखा है, और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है. इससे पहले बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को लेकर एक पोस्टर दिल्ली में लगाए थे. गुजरात विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली एमसीडी चुनाव, केजरीवाल धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं. हर जगह मुख्यमंत्री के निशाने पर बीजेपी है, तो बीजेपी के टारगेट पर अरविंद केजरीवाल.
डीएनडी डी ढोंगी ढोंगी अरविंद केजरीवाल, एन से निकम्मा अरविंद केजरीवाल और दूसरे डी से डरपोक अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की ओर से ऐसा हमला हुआ तो केजरीवाल ने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने एमसीडी पर राज करने वाले बीजेपी से हिसाब मांग लिया। बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो, कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल किया। मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये सामने वोट है तो अब शब्दों की चोट है, ये सियासत का आजमाया हुआ हिट फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन ऐसी बयानबाजी से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त ही बताएगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। यह है टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। रिवाबा जडेजा को गुजरात की जामनगर उत्तर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, रिवाबा को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। गुजरात चुनाव की देश भर में चर्चा है और इस वक्त गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में जिस एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जामनगर उत्तर विधानसभा सीट। और इसकी एक ही वजह है, बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको ये भी बता दें कि रिवाबा जडेजा का नाम बीजेपी की लिस्ट में टॉप 5 उम्मीदवारों में शामिल है, लेकिन रिवाबा के चुनावी मैदान में आते ही अब रविंद्र जडेजा के घर में ही घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे ही रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने टिकट दिया, अब चर्चा ये है कि कांग्रेस रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को मैदान में उतार सकती है। तो क्या अब जामनगर में होगी ननद और भाभी की टक्कर? रिवाबा जडेजा और नैना जडेजा में होगा तगड़ा मुकाबला। गुजरात के गदर में ननद और भाभी होंगी आमने सामने। ऐसे में गुजरात की जामनगर सीट की पूरे गुजरात में चर्चा सबसे तेज है। हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि रविंद्र जडेजा आखिर किसके समर्थन में प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि रिवाबा जडेजा क्लियर कर चुकी हैं कि उनके पति रविंद्र जडेजा उनके प्रचार के लिए जामनगर आएंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए रविंद्र जडेजा ने ही उनको मोटिवेट किया है। हम आपको ये भी बता दें कि जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। धर्मेंद्र सिंह जडेजा यहां से विधायक हैं। इससे पहले 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, अब उनकी जगह रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। अब अगर नैना जडेजा कांग्रेस से अपनी भाभी रिवाबा जडेजा के खिलाफ उतरती हैं, तो मुकाबला तगड़ा देखने को मिल सकता है। ननद और भाभी में कौन किस पर पड़ेगा भारी? जामनगर विधानसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी? रविंद्र भाई धर्म निभाएंगे या पति धर्म? रविंद्र जडेजा के सामने कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उनका परिवार दो पार्टियों में बट गया है। जडेजा की बहन नैना की बात करें तो मां के निधन के बाद उन्होंने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। यहां तक कि जडेजा को क्रिकेट की दुनिया में लाने के लिए भी उन्होंने खूब मेहनत की थी। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और उनकी बहन नैना उनकी शादी से पहले काफी अच्छी दोस्त थी। रिवाबा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और 2019 में बीजेपी में शामिल हुई।
रिवावा जडेजा बीजेपी से जुड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली थी, तब रविंद्र जडेजा भी उनके साथ थे। रिवावा बताती हैं, मैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गई तभी उन्होंने बोल दिया था कि आपको कुछ करना है। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। संघ की शाखा को मैंने देखा है। बचपन से राजनीति और संघ की विचारधारा से जुड़ी रही हूँ। आपको बता दें कि पहले राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना से जुड़ी और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त भी रिवावा और नैना जडेजा के संबंध काफी सुर्खियों में आए। कहा जाता है कि रिवावा के बीजेपी में जाने के बाद नैना ने कांग्रेस ज्वाइन की और 2022 के चुनाव में ननद और भाभी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। 117 प्रत्याशियों के नाम सामने आए और इसके पहले 134 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। एक पूर्व पार्षद हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गए। हसीबुल हसन नाम का ये नेता पार्टी से काफी नाराज है। हसीबुल हसन का आरोप है कि पार्टी ने उनके पेपर रखवा लिए लेकिन टिकट नहीं दिया। पूर्व पार्षद ने पेपर वापस ना मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। आप नेता को टावर से नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं लेकिन वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो पूर्व पार्षद को नीचे उतारने की कोशिश जारी है, टिकट ना मिलने पर नाराज हैं और किस तरह से अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हसीबुल हसन आम आदमी पार्टी नेता हैं, अपनी टिकट कट जाने से नाराज हुए और इस कदर नाराज हुए कि आप देखिए किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा ये कर रहे हैं। पूर्व पार्षद रह चुके हैं और पेपर वापस ना मिलने पर आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। आप नेता को टावर से नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं लेकिन वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। पानी में और इमारत पर चढ़कर नाराज जलवायु कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया ताकि इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रहे COP27 सम्मेलन तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। एक तरफ दुनिया भर के दिग्गज नेता जलवायु बचाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड से लेकर जर्मनी और इजिप्ट में जलवायु कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने नेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर लेक में डुबकी लगाकर प्रदर्शन किया और जलवायु बचाने वाले पोस्टर और बैनर लहराए। Wer heute Klimaschutz ausbremst oder verhindert, macht sich mitschuldig an der Klimakrise und ihren Folgen. Deswegen fordern wir von Volker Wissing, Klimaschutz im Verkehr nicht weiter auszubremsen, sondern endlich sinnvolle Maßnahmen zu treffen, ein Tempolimit einzuführen, eine Neuzulassungssteuer für besonders klimaschädliche Autos einzuführen, aber auch den Autobahnausbau zu stoppen, das Geld zu nehmen und in die Schiene zu investieren. तो वहीं इजिप्ट में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाल के बिगड़ती जलवायु को बचाने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर युवा शामिल थे जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर का हिस्सा है। इजिप्ट की तरह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में देश के परिवहन मंत्रालय की बिल्डिंग पर जलवायु कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया।
यहाँ प्रदर्शनकारी मंत्रालय की इमारत पर चढ़ गए और जलवायु बचाने का संदेश देने वाला पीला रिबन इमारत में बांध दिया। इस दौरान उनका सामना पुलिस से भी हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आनन फानन इमारत को प्रदर्शनकारियों से आजाद करवाया। दुनिया भर में अनोखे विरोध प्रदर्शन के जरिए जलवायु कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दो साल बाद जब जापान ने पर्यटकों के लिए अपना दरवाजा खोला, विदेशी पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो की है, जहां पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक एक बार फिर जापान की तरफ रुख कर रहे हैं। बाजार गुलजार है, लोगों के चेहरे पर फिर से वही खुशी दिखाई दे रही है जो कोरोना से पहले थी। ऐसा लग रहा है एक बार फिर पुराने दिन लौट आए हैं। कोई मोबाइल से तस्वीरें ले रहा है तो कोई दुकानों पर खरीदारी में बिजी है। हर कोई इस बाजार में लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। हालांकि सामानों की बढ़ती कीमतों से कुछ लोग मायूस नजर आए तो कुछ विदेशी पर्यटक डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा येन में गिरावट पर खुश होते दिखाई दिए। बता दें कि जापान ने अपनी सीमाओं को महामारी के शुरुआती दौर में ही बंद कर दिया था, साथ ही विदेशियों की वापसी पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन खत्म होते कोरोना के बाद जापान सरकार ने एक बार फिर विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमा खोल दी है, जिसके बाद न्यूजीलैंड, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों से यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। करीब 2.5 सालों तक जापान ने देश में कोरोना प्रतिबंध लागू किए हुए थे, जिसके बाद अब इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश में पर्यटकों की वापसी से जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।